आज मैं बहुत खुश हूँ। राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा तैयारी सुनकर, भगवान राम का कार्य था इसलिए पूरा भरोसा था कि मंदिर निर्माण होकर रहेगा, लेकिन यह उम्मीद कम थी कि सपना जीते जी पूरा हो जाएगा। अब सारे विवाद शांतिपूर्वक सुलझ चुके हैं। राम की नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। इससे अधिक खुशी की दूसरी बात कोई और हो ही नहीं सकती। यह कहना श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सक्रिय भूमिका निभाने वाले जगदीश्वर वाजपेयी का है। वह सकुशल बाजार क्षेत्र के कस्बा के निवासी हैं, भगवान राम के भक्त हैं, अनेक बार अयोध्या जा चुके हैं। कितनी बार गए होंगे या उन्हें खुद को भी याद नहीं। 90 के दौर वाली कार सेवा में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर चलने का जिक्र करते उनके स्वर की खुशी वाले निकलने लगे। बोले, हाँ, कार सेवा में हमने भी सकुशल बाजार क्षेत्र से हिस्सा लिया था। उनके साथ कई अलग लोग गए थे। इसी बीच भनक लगने पर पुलिस ने पकड़ लिया। सकुशल बाजार थाने से बाराबंकी एक महीने से अधिक क्रक कर छोड़ दिया, लेकिन हम पीछे नहीं लौटे। वह कहते हैं कि उन्हें लगता नहीं था कि इतनी जल्दी भव्य मंदिर निर्माण का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन भगवान राम का कार्य है, एक दिन होना ही था, इतना विश्वास मन में था। कार सेवक जगदीश्वर का कहना कि मेरे जीते जी राम मंदिर का निर्माण देख पाना सौभाग्य की बात है। कार सेवक परिजन ने बताया कि हमें बहुत खुशी है और पिताजी को इससे दुगनी खुशी है। अमेठी में इस खुशी का इजहार आने वाली 22 को ही दिखेगा। क्या नाम है आपका? जगदीश्वर प्रसाद वाजपेयी। ये बताइए कि राम मंदिर बनने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, जेल भी गए, तो अब तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली मंदिर बन गया है, क्या कहेंगे, कैसे संघर्ष रहा आपका और अब बन रहा है? संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण था। पूरा समाज, मैंने सत्कारी समाज गठित किया, यहाँ तक गांव-गांव में शाखाएं लगाई। उस समय इस खंड का प्रथम खंड कारवा बना गया था और यहाँ से फिर हम मोहना शाखा लगाए, मोहना से जुड़ेपुरा हम शाखा लगाए, जुड़ेपुरा मौर्या लोग भी हमारे साथ गए थे। हम प्राय लखनऊ जाते रहे। उस दिन विजयदशमी दिन 90 के दशहरा दिन हम सच पूजन में थे। वहीं हमें स्वर्गीय ठाकुर संगठन प्रसाद सिंह ने कहा कि वाजपेयी जी आज जो है हनुमान जी का पाठ यही करिए। तो हमने कहा ठीक है। हनुमान जी की सामग्री लेने गया था तो हम अमीनाबाद पार्क से बेगम हजर पार्क होते हुए गोमती से अपना प्रतिज्ञा करना था। तो वहाँ पर सब लोग रोक ले गए, यहाँ तक लालजी टंडन भी अपनी यात्रा भेल चले गए, रोक दिया। लेकिन मैंने जब देखा कि पुलिस वाले मार के उतारू हो गए, तो हमने एक पैर जूता भरा गर्वियर में, जो जूता आता है वो काला चमड़ा वाला, उसको मैंने उनके यहाँ के इंस्पेक्टर साहब को मार दिया। अमीनाबाद इंस्पेक्टर ने पकड़ा था राधेश्याम कपूर का कारण, उनकी आंखें निकल आई। अब वो भी मर गए होंगे। तो इतना संघर्ष रहा, अब कितनी खुशी है आपको कि देखिए राम मंदिर पूरा भी और है। अभी श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समाप्त, हम तो 30,000 वाले में है। अभी किस जन्मभूमि लेना है, काशी निर्माण कॉरिडोर से काम करेगा, सब पूरा निर्माण सही होना है जन्मभूमि पर। राम मंदिर के लिए कितनी खुशी है, राम मंदिर चूंकि अब हमारा था, हमारा है, उसमें सीता रसिया में लिखा था, कोई इतना भव्य बनाया जा रहा है, कोई कहता है कि हमने वो जर्जर भवन हो गया था, उसमें सीता रसिया लिखा था, उसको गलत गुमराह करके मुसलमानों ने तो छोड़ाया था। कार सेवा बाकी नहीं, कार सेवा में रहे, कार सेवा में रहे, जेल गए एक महीना, बाराबंकी जेल में बंद रहे। यहाँ पर गांव गांव संगठन खड़ा किया, हिंदू आगमन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, सब रथ यात्रा आई, बड़ी वाली छोटी वाली रथ यात्रा बाद में आई 85 में। अब राम मंदिर का जो है 22 तारीख को प्रधानमंत्री उसकी जो है मोदी, हाँ हाँ बहुत आनंद आ रहा है। तो उसके लिए आपको कोई अभी तक, अभी हम लोग गांव गांव जागरण करा रहे हैं, मंदिरों पर योजना बना रहे हैं, लोग अपना सुंदर कांड करें, कोई प्रकार का रामायण पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, गांव गांव दीपक जलाए जाए। 22 जनवरी को हम दीपावली मनाएंगे हम लोग सब। क्या नाम आपका? माधव वाजपेयी। ये बताइए कि आपके परिवार से कार सेवा में शामिल है, पिताजी जो है जेल भी गए और मंदिर निर्माण को लेकर उनके सपने थे, अब ऐसे में कितनी खुशी आप लोगों को परिवार को हो रही है उनके मंदिर बनने
बन जो बना है अयोध्या में? मंदिर बनने में हमारे पिताजी कई संघर्ष, बहुत से संघर्ष किए, कई बार उनको जेल जाना पड़ा, वो पूरा जीवन जो है अपना वो हिंदुत्व के काम के लिए लगाए थे। कब कब जो है कार सेवा में शामिल, कब उनको जेल जाना पड़ा? वो अपने 90 के दशक में कई बार उन्होंने उनको जेल में रखा गया। जब भी 6 दिसंबर आता है पुलिस उन पर नज़र रखती है, कई बार उनको जेल गए, शुक्ल बाज़ार थाने से वो सुल्तानपुर गए, सुल्तानपुर से बाराबंकी जेल में उनको रखा गया। तो अब आप लोगों को तब जो है इसके क्योंकि राम का काज था, उसमें जेल जाना पड़े या जान देना पड़े, वो पिताजी का एक ही लक्ष्य था कि राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। तो 22 तारीख तैयारी को लेकर क्या तैयारियां हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे अयोध्या और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी? उनका जो लक्ष्य था पिताजी का, राम मंदिर निर्माण होना, वो कई बार अयोध्या गए हैं, उनको खुद नहीं पता होगा वो कितने बार गए होंगे जी। अब जैसा ऊपर से आदेश होगा तो वो जाएंगे, भाई अपेक्षा होगी कि हाँ यहाँ बुलाना ठीक है, नहीं तो बात को तो जाएंगे ही। राम अयोध्या वो जाया करते हैं अधिकतर, वो कितने बार गए होंगे उनको खुद नहीं पता।